नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की क्लास करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जो आपके आने वाले छत्तीसगढ़ भर्ती में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी इतिहास के ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठ के बारे में जो आपके हर एक एग्जाम में 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है वहां पर कलचुरियो वंश का जो संस्थापक कौन है, क्या है, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही अगर आप लोग व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका एग्जाम में आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो भी भर्तियां आने वाली हैं, चाहे आप पीएससी एग्जाम की तैयारी करें चाहे व्यापम का, उसमें छत्तीसगढ़ से 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो कृष्णराज है, ठीक है, कृष्णराज आपको कलचुरी वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में जो कृष्णराज है आपका, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कलचुरी वंश के बारे में, तो ठीक है, जो कृष्णराज है आपका, याद रखिएगा, जो पढ़ने से पहले जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा, कृष्णराज, ठीक है, जो कृष्णराज है आपका कलचुरी वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है, आपके विगत वर्षों में 2 से 3 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कृष्णराज आपका कलचुरी वंश का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष कहा जाता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं वामराज देव के बारे में। ठीक है, जो वामराज देव आपका त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक है। कौन है? त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक है। उसके बाद हम बात करेंगे संस्थापक के बारे में। उसके बाद कोकल प्रथम, यानी कि जो कोकल प्रथम है त्रिपुरी के स्थायी यानी कि राजधानी बनाया है। किसने? कोकल प्रथम ने त्रिपुरी में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि त्रिपुरी यानी कि स्थायी अध्यक्ष किसने बनाया है, कोकल प्रथम ने त्रिपुरी में स्थायी राजधानी बनाया है। अब बारे में बात करने वाले हैं कि शंकरगण द्वितीय के बारे में। पूरा लाइन से मैं आपको डिटेल बता रहा हूं जैसे कि आपके स्कोर से दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे शंकरगण द्वितीय। ठीक है, जो शंकरगण द्वितीय पाली को जीता था, किसने जीता था? पाली को जीता था। उसी प्रकार हम बात करें, उसके बाद जस्ट नीचे है आपका लक्ष्मण जी। ठीक है, लक्ष्मण राज ने संस्थापक किया था। सबसे पहले हम बात करें, पहला कृष्णराज, उसके बाद वामराज देव, उसके बाद कोकल प्रथम, उसके बाद शंकरगढ़ द्वितीय, उसके बाद लक्ष्मण राज, उसके बाद कलिंग राज। ठीक है, जो कलिंग राज है आपका, उसके बारे में पूरा जानकारी बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपके शायद एग्जाम में 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल जानकारी में बताने वाला हूँ। इसके बारे में देखेंगे लक्ष्मण राज। ठीक है, इसके जस्ट नीचे है आपका कलिंग राज। ठीक है, जो कलिंग राज है 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व से लगभग 1000 BC ईसा पूर्व तक इस संस्थापक किया था, यानी कि शासन किया था। उसी प्रकार पाली को जीत कर कलिंग राज की स्थापना, किसको जीत कर? पाली को जीत कर कलिंग राज की स्थापना की है। ठीक है, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी की राजधानी के बारे में, जो तुमार है, ये सब पूरा जानकारी डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पर कहीं जाइएगा मत एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ ही कलचुरी वंश के जो पूरा डिटेल है आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत आज के। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम जैसे व्यापम पीएससी हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 2 से 3 नंबर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लास करने के लिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, यानी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना, संस्थापक कौन है, क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपके सीजीपीएसएल व्यापम में विगत वर्षों से 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो संस्थापक है, जो इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की स्थापना हुई है आपका 1000 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की जो स्थापना हुई है आपका 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। देखिए, जैसे कि अभी जो 1 या 2 वर्ष पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था व्यापम में कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, तो कलचुरी वंश का जो संस्थापक है आपका
यहाँ पर देख सकते हैं कलिंगा, यह आपके व्यापक में पूछा गया था। उसी प्रकार मैं आपको पूरा डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है उसकी स्थापना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी, लगभग 1000 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। साथ ही सर्वाधिक समय यानी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ने सर्वाधिक समय यानी कि सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश कौन है, तो आप बताएंगे कलचुरी वंश। एग्जाम में पूछा गया था 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये आपका कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक यानी कि शासन करने वाला वंश है आपका कलचुरी वंश। उसी प्रकार हम बात करें शासन काल के बारे में, ठीक है। जो शासन काल है आपका छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश हुआ था उसका शासन काल के बारे में बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1741 ईसा पूर्व तक, याद रखना आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है व्यापम का, उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है उसका शासन काल के बारे में, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शासन काल है आपका 1000 ईसा पूर्व से 1741 ईसा पूर्व तक। और संस्थापक के बारे में बात करें तो जो संस्थापक है आपका छत्तीसगढ़ कलिंगराज, कौन है इसका संस्थापक, कलिंगराज। जबकि अंतिम शासक पूछा जाए तो क्या बताएंगे, रघुनाथ सिंह बताएंगे, ठीक है। अंतिम शासक पूछा जाए तो आप बताएंगे रघुनाथ सिंह, ठीक है। देख सकते हैं तो यहाँ पर संस्थापक के बारे में बात करें छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश का जो संस्थापक है कौन है आपका, कलिंगराज। जबकि अंतिम शासक के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा रघुनाथ सिंह। उसी प्रकार राजधानी देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो राजधानी है आपका हो जाएगा तुमान यानी कि कलिंगराज, छत्तीसगढ़ की राजधानी तुमान कलिंगराज। जबकि रतनपुर के बारे में बात करें तो रत्नदेव प्रथम है, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा जो यहाँ पर राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कि कलिंगराज में तुमान दिया गया, जबकि कलिंगराज तुमान की राजधानी कौन है, कलिंगराज। जबकि रतनपुर में रत्नदेव प्रथम है, ठीक है। यह आपके हाल ही एग्जाम पीएससी में पूछा गया था, बारेंद्र शाह 2023 में पीएससी में पूछा गया था, हाल ही में जो एग्जाम हुआ था पीएससी में उसमें 2023 में पूछा जा रहा था। छुरी कोस गई, ये आपका आएगा बहरेंद्र शाह, क्या आएगा बहरेंद्र शाह, याद रख लीजिएगा एक बार बहरेंद्र शाह। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा कि छुरी कोस गई आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो छुरी कोस गई है आपका बहरेंद्र शाह से लिया गया है, 2023 की पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करें कि कुल देवी यानी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो कुल देवी है क्या बताया मैं आपको, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जो कुल देवी, ठीक है, ये आपका लक्ष्मी देवी, ठीक है। कुल देवी कौन है, लक्ष्मी देवी जी है। उसी प्रकार यहाँ पर बात करें उपासक का, ठीक है, जो उपासक है छत्तीसगढ़ में कलचुरी का जो उपासक है सैव, कौन है सैव। और जो राजकीय भाषा है आपका, ठीक है, जो राजकीय भाषा है संस्कृत भाषा से लिया गया, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश में जो हुआ था जो राजकीय भाषा वो आपका आ जाएगा संस्कृत भाषा से। जबकि प्रसिद्ध कवि एग्जाम में पूछा गया है आपका 2019 में आया हुआ था व्यापम के एग्जाम में, ये आपका आ रही यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर और एरियो के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए जो प्रसिद्ध कवि है आपका हो जाएगा गोपाल मिश्र, कौन है एक बार फिर से दोहराइएगा, जो प्रसिद्ध कवि है आपका गोपाल मिश्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिएगा सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार याद रखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए मराठाकालीन प्रथम कलचुरी शासक यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मराठा शासक है यानी कि मध्य मराठाकालीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, कौन है आपका रघुनाथ सिंह। जबकि यहाँ पर पूछा जाए कि मराठाकालीन अंतिम शासक तो क्या बताएंगे आप, मोहन सिंह, कौन है आपका मोहन सिंह, ठीक है। देखिए मराठाकालीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह है जबकि आपका अंतिम शासक हो जाएगा कौन है, मोहन सिंह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रतनपुर में कलचुरी वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर में जो कलचुरी वंश का शासक है तीन प्रकार के शासक हैं वो कौन कौन से, एग्जाम में पूछा जाता है क्रम वाइज, ठीक है, क्रम वाइज अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे पहले कलिंगराज, कमलराज, फिर रत्नदेव प्रथम। एक बार फिर से दोहराइएगा, याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखिए रतनपुर में कलचुरी वंश का प्रमुख शासक कौन है, ठीक है, तो रतनपुर में कलचुरी वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा आपका, फिर से बताइएगा कलिंगराज, दूसरा है आपका कमलराज और तीसरा है रत्नदेव प्रथम।
याद रखिएगा क्रम इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देखिएगा, रतनपुर में कंचुरी वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो पहला आपका हो जाएगा कलिंगराज। कौन हो जाएगा? पहला आपका कलिंगराज, दूसरा हो जाएगा कमलराज और तीसरा हो जाएगा आपका रत्नदेव प्रथम। अब इसके शासक के बारे में बात करें कि कौन से सन में क्या हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए जो कलिंगराज है आपका 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व था, यानी कि ये इसमें कम से कम देखिए जो कलिंगराज के बारे में बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व तक शासन किया है। उसके बाद कमलराज के बारे में बात करें तो जो कमलराज है आपका 1020 से 1045 के आसपास, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है, ये सन में आता है, ठीक है। कमलराज ने कितने वर्षों तक शासन किया है, कलिंगराज ने कितने वर्षों तक शासन किया है, क्रम वाइज पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तौर पर 1 से 2 नंबर प्रश्न आता है यहाँ से, ठीक है। उसके बारे में बात करें छत्तीसगढ़ में जो रत्नदेव प्रथम है 1045 से 1065 के आसपास, ठीक है। 1045 से लगभग 1065 ईसा पूर्व तक रत्नदेव प्रथम ने शासन किया है। ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो शासक है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रमुख शासक हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बारे में हम आप पूरा डिटेल बताएंगे। कलिंगराज, कमल और रत्नदेव प्रथम, ये आपका द्वितीय भाग यानी कि पार्ट वन वीडियो था, ये आपका पार्ट टू वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी बताया जाएगा। अगर यह आपका वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप लोग आने वाली भर्तियां यानी कि छत्तीसगढ़ में जो भी भर्तियां आएंगी, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है, एसआई भर्ती मेंस की क्लास चल रही है, साथ ही ईडीओ की क्लास आ सकता है बहुत जल्द। अगर छत्तीसगढ़ में आप लोग व्यापम पीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, और डेली क्लास करिएगा बिल्कुल। और आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पार्ट टू वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।